हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IEEROADOP का काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम नंबर 1.5 नंबर प्रॉब्लम में जो बोला गया है, देखो यहाँ पर बोला गया है टू पार्टिकल्स वन एंड टू मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी V1 एंड V2, अर्थात दो पार्टिकल है, एक को हम वन से मार्क करेंगे और दूसरे को टू से मार्क करेंगे। तो दोनों का वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो है V1 एंड V2। एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर आर R1 एंड R2, अर्थात इनिशियली उन दोनों का जो पोजीशन है वो है R1 एंड R2। हाउ मच दिस फोर वेक्टर्स, दैट्स मीन V1, V2, R1 एंड R2 बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड, अर्थात दोनों पार्टिकल को कोलाइड करना है। अब दोनों पार्टिकल को अगर कोलाइड करना है तो दोनों को सेम पोजिशन पर जाना है, अर्थात कोलाइड तब हो सकता है जब दोनों का पोजीशन सेम होगा। यहाँ पर मेरे हाथ में एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर है। अब दोनों का दोनों वेलोसिटी है, इसका V1 इसका V2, दोनों जब जाकर एक जाएगा मिलेगा तभी उन दोनों का कोलाइड होना पॉसिबल है, अर्थात कोलाइड होने के लिए तो दोनों पार्टिकल को सेम पोजीशन पर जाना है। तो देखो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने y एक्सिस और इधर ले लिया मैंने एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस ये है, ये है वाई एक्सिस। अब देखो यहाँ पर शुरू में बोला गया है कि एक नंबर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो है R1। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है एक नंबर पार्टिकल का पोजीशन और ये है दूसरा पार्टिकल का पोजीशन। ये पार्टिकल नंबर वन है, ये पार्टिकल नंबर टू है। अब क्योंकि बोला गया है कि R1 एंड R1 इन दोनों का इनिशियल पोजीशन है, तो शुरू में इसका पोजीशन वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है R1 और इन दो नंबर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है R2। अब इन दोनों को कोलाइड करना है। मान लेते हैं कि ये है वो पोजीशन जहाँ पर जाकर दोनों पार्टिकल कोलाइड करेगा, अर्थात यहाँ पर दोनों पार्टिकल का कोलिशन हो रहा है, तो ये इधर जा रहा है और ये जो पार्टिकल है वो इधर जा रहा है। इसका वेलोसिटी जो है वो है V1, इसका वेलोसिटी जो है वो है V2। तो V1 V2 वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि t टाइम बाद उन दोनों ने कोलाइड किया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा V1t, ये डिस्टेंस हो जाएगा V2t। अब देखो इन दोनों पार्टिकल का जो फाइनल पोजीशन हुआ है, उस फाइनल पोजीशन को हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये लाइन थोड़ा सा इधर ऐसे लिख सकते हैं कि ये वेक्टर जो बन गया, ये वेक्टर बन गया मान लेते हैं कि R3। अब देखो वेक्टर का इस्तेमाल करके हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों वेक्टर को ऐसे ऐड करेंगे तो ये थर्ड वेक्टर R3 मिलेगा हमें, मतलब R3 = R1 + V1t। हम लिख सकते हैं कि R3 = R1 + V1t एंड ऑल्सो R3 = R2 + V2t। दोनों को इक्वल कर देने से हमें मिल गया therefore R1 + V1t = R2 + V2t और यहाँ से हम लिख सकेंगे इधर लिखो कि V1 - V2 × t = R2 - R1 और therefore हम लिख सकते हैं कि t = R2 - R1 इसका मॉड बाय V1 - V2 उसका मॉड। तो t बन गया R1 - R2 का मॉड, V1 - V2 का मॉड। अब देखो तो हम इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा इधर से कि R1 = R2 + V2 - V1 × t
और टी को हम रिप्लेस कर देंगे इस टर्म से, तो ये हो जाएगा आर वन इक्वल टू आर टू प्लस वी टू माइनस वी वन। टी का मतलब है यहाँ पर आर टू माइनस आर वन उसका मॉड बाय वी वन माइनस वी टू उसका मॉड। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि आर वन माइनस आर टू बाई मॉड ऑफ आर टू माइनस आर वन, और आर वन माइनस आर टू दोनों ही सेम है, मॉड है, तो इक्वल टू होगा वी टू माइनस वी वन बाई वी टू माइनस वी वन का और वी वन माइनस वी टू का मॉड, अर्थात आर वन माइनस आर टू बाई उसका मॉड इक्वल टू वी टू माइनस वी वन उसका मॉड। ये होगा हमारा रिलेशन, इस रिलेशन होने से इन दोनों पार्टिकल का कोलिशन होगा।